हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो भाई डॉग इतना ज्यादा नाराज होकर रखा है, देखो भागता फिर रहा है, मुझसे आ नहीं रहा मेरे पास बिल्कुल भी। अरे मेरे भाई आज है ना, आपको पता है मैंने इसको नहीं बताया, तो इतना ज्यादा नाराज हो गया, ड्राइवर से बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मेरे भाई आजा आजा आजा। अबे ड्राइवर भाग क्या हो गया भाई, डॉगी तो उससे तेज भाग रहा है, कमाल कर रहा है भाई। ये तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया, आगे से इसको सारी चीजें बताया करूंगा। प्लानिंग इसको मैंने नहीं बताई ना, तो आज ये मेरे पास आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। देखो कहाँ पे खड़ा है मेरे पे डॉगी, ये देखो वहीं पे बैठ करके सो गया डॉगी। भाई अंदर चल चल, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे, ऐसा मत कर, कमाल कर रहा है वैसे भाई। नाराज होने वाली बात भी है ये भाई, ऐसे भागा गए, ड्राइवर मर गए, टीम मर गई वगैरह वगैरह। चल आज थोड़ी देर में इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ये खुद ही अंदर की तरफ आ जाएगा। अभी मैं पार्टी में चलता हूँ, पार्टी बिल्कुल भी खराब नहीं करते। तो भाई प्लानिंग तो कमाल हो गई रखी थी, और मेकर भाई ड्राइवर का भाई आप मान के चलो, क्योंकि दोनों ही अनाथ है और दोनों को बाबा ने पाला है, और बाबा को भी बुलाया भाई, बड़ी मुश्किल से बाबा माने पार्टी में आने के लिए। आपने नोट नहीं करा, बाबा भी अंदर ही है। हेलो बाबा जी, क्या हाल चले? बाबा जी कहाँ हैं? पीछे खड़े हैं बाबा जी। अरे बाबा जी को चाय कॉफी कुछ तो पूछ लो। अरे भाई अभी देखो हमारे सारे बंदे, सारे टीम के बंदे, इन्होंने यार कितना ज्यादा सपोर्ट करा। इन्होंने सोचा चले यार मेकर हमारे ट्रेवल का भाई है, तो इसलिए इसकी हेल्प जरूर करते हैं। और ये चाबी यार वैसे सुधर चुका है फिलहाल, अगर अभी कुछ करेगा तो इसको बहुत मारूंगा। मैरी ने बोला कि ट्रेवल चलो एक मौका और देते पापा को, इसलिए इनको अभी छोड़ दो, तो इसलिए अभी इनको हमने भाई कुछ नहीं बोला। और होलोग्राम चाचा, उसको मेकर ने पकड़ के रखा हुआ है, वो आराम से वहीं पर है गैरेज में, उसको बाद में तोड़ेंगे जाकर के। अभी बिग बॉस का एंड करना है, पूछते हैं मेकर से, मेकर भैया क्या करना है बताओ, मारे बिग बॉस को या उसको भी छोड़ना है बता दो, कुछ प्लानिंग चल रही हो दिमाग में तो बताओ, नहीं तो भाई उसको मारते हैं। ये देख हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, हमारा प्यारा थेनोस भाई, इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है, सारे बंदों ने सपोर्ट करा, नहीं तो भाई प्लानिंग सक्सेसफुल हो ही नहीं पाती जो भी हमने सारी की सारी प्लानिंग करी है। फिलहाल कुछ बंदे तो अभी यहाँ पर आ नहीं सके, क्योंकि भाई आपको पता है बेचारे बंदों को बाकी और काम भी होता है, और टेरी ने बहुत काम करा है, और वो चोर भाई उनको इन्फॉर्मेशन टेरी चुपचाप से दिया करता था। वैसे डॉगी की मुझे एक बात समझ नहीं आई, डॉगी वैसे बड़ा समझदार है, उसको कभी भी मेकर ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी, उसने हमेशा उसको अच्छी जगह पे रखा, हमेशा उसको उसका फेवरेट खाना खिलाया। उसको समझ जाना चाहिए था कि किडनैप होने के बाद भी मेरे को फेवरेट खाना मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग हो सकती है, बट अब की बार वो समझा ही नहीं है। तो भाई अभी मेरे को मेकर बोल रहा है कि ट्रेवर लेट नहीं करते, फटाफट से चल बिग बॉस का एंड करके आते हैं, और मैं रास्ते में बताता हूँ मैंने आखिर उसको जिंदा क्यों छोड़ा। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग पार्टी करो सारे के सारे, कहीं पर भी मत जाना सुबह होने तक, यहाँ पे मजे लो ठीक है, क्योंकि क्रिसमस पार्टी नहीं हो पाई है, आप लोग यहीं पे रहो मजे लो। मैं और जरा मेकर आते एक घंटे के अंदर, जरा अभी बिग बॉस को खत्म करके आते हैं भाई, क्योंकि उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, उसको नहीं छोड़ेंगे। आ मेकर चल चलते हैं जल्दी से। तो भाई अभी मैं बाहर आ चुका और मैंने कपड़े चेंज कर लिए भाई, फिर किसी दिन ट्रेवर के होम टूर आपको दे देंगे, क्योंकि काफी बड़ा घर है भाई अंदर से, और बहुत अच्छे से मैंने इसको बनवा के रखा हुआ है। हर एक जगह आपको डॉगी की अलग अलग तरीके की पेंटिंग मिलने वाली है, क्योंकि भाई आपको पता है ट्रेवर के आगे पीछे सिर्फ डॉगी है और कोई तो है ही नहीं। आ जा भैया मेकर, फिर किसी दिन भाई आपको मैं टूर दूंगा। भाई अभी हम लोग गाड़ी बैठ चुके हैं और अभी हम निकलते हैं, देखो रास्ते में किसी ने गाड़ी खड़ी करके रखी है। डॉगी भाई सो सॉरी, देख रहे हो भाई कपड़े उतार के फेंक दिए मेरे को लगता है कहीं पे, और अंदर जा करके सो गया, बहुत ज्यादा नाराज चल रहा है यार। अब भी इसको मनाने के लिए तो पता नहीं मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। देख ले मेकर भाई, तेरी वजह से सारा काम ये हो करके रखा हुआ है। वैसे यार मेकर की इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये काम मैंने ही किया, अपने ट्रेवर नहीं कराया, इसने सोचा चलो इसको नहीं बताते नहीं तो प्लानिंग खराब हो जाएगी। बहुत ज्यादा नाराज है अभी इसको मनाने के लिए, चलो यार अभी इसको बाद में मना लेंगे, फिलहाल अभी वैसे खुश तो अंदर से हो रहा होगा, ऊपर से नाराजगी दिखा रहा है कि मेरे को क्यों नहीं बताया प्लान। भाई मैंने मेकर से सारी सारी बातें कर ली है, मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर पहला पॉइंट तो ये कि वो मेन बंदा है जिसने प्लानिंग बनाई पापा को मारने की, बाकी भाइयों ने सिर्फ उसका साथ दिया, क्योंकि उसने बोला कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, मेरे इस प्लान में साथ दो, इसलिए मेन मास्टरमाइंड बिग बॉस है जिसने पापा को मरवाने की बात करी, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट ये, उसके पास बहुत ही स्पेशल चीज है जिसको हम ले सकते हैं, और भाई बॉक्सेस वाली बात पता नहीं बॉक्स कहाँ से लेकर आए थे, वो असली चीज है सारी की सारी, वो तो ट्रेवर के पापा की सारी सारी बॉक्सेस है, ये तो मेकर को भी नहीं पता वो बॉक्सेस कहाँ से बंदे लेकर आए। और अभी तीसरा बॉक्स वो भी चेक करना है, बट उस बॉक्स के अलावा भी बिग बॉस के पास कोई ऐसी चीज है जो कि मेकर उससे लेना चाहता है, और वो अगर पहले लेने की कोशिश करता तो बंदे को शक हो जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और सारी सारी प्लानिंग खराब हो जाती, इसलिए इसने पहले उस चीज को लेना नहीं सोचा। बट अभी प्रॉपर्टी पास में आ चुकी है, बिग बॉस को मारेंगे और उससे सारी बातें पूछेंगे वो चीज कहां पर है, फिर देखते हैं भाई आखिर वो चीज क्या होने वाली है। तो अभी फटाफट से मेरे को बोल रहा है कि सबसे पहले हम उसके बेस पे चलते हैं, वो बंदा बेस हो सकता है, दो चार जगह भाई उसकी है जहां जहां पे वो रहता है, क्योंकि अभी फिलहाल वो लॉस सैंटोस में है, ऐसा मेरे को मेकर बोल रहा है, क्योंकि पल पल ही खबर इसने उसकी नोट करी है, प्लानिंग पहले से ही करके रखी है कि उसको भी मारेंगे बाद में जैसी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर सोल पर कर दो, भाई अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर ले, इस वीडियो के लाइक्स का एम है 15,000, जल्दी से आगे उसको पूरा करा दो। अगर तक आपने फर्स्ट चैनल को चेकआउट किया बाद में जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर चिटी की वीडियो डालता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह 11 बजे उसी पर आने वाला है, तो भाई पहुंचता हूं जगह पे। भाई हम लोग जगह पे पहुंच चुके और गाड़ी को हम लेके यहां पे नहीं आ सकते थे, मेकर ने मेरे को बाद में बोला, तो फिर इसलिए हमने हेलीकॉप्टर ले लिया है, और अभी हम यहां पे पहुंच चुके हैं। बंदे ने बेस काफी अच्छा बना के रखा हुआ है,
मेरे प्यारे भाई, वैसे बिग बॉस के पास पैसा तो बहुत है बट बंदे में दम बिल्कुल नहीं है। मैंने तो उसको एक दिन में ही पकड़ लेता, आते ही बेचारा ज्यादा ही चालाक बन रहा था। उसकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे को मेकर ने दे के रखी थी कि यहाँ यहाँ पे छुपके बैठा हुआ, इसको जाकर फटाफट से पकड़ ले, इसलिए वैसे उसको पकड़ना आसान हो गया था। और वो सारी प्लानिंग भाई बहुत ही मजे से चली, किसी को शक भी नहीं हुआ। चल मेरे भाई, अब तो तेरे मजे आ गए ना, अब तो पूरे रशिया का ये सबसे बड़ा बंदा बन चुका है, सबसे ज्यादा पैसा इसी के पास होने वाला है। बट यार इसको अभी भी प्रॉपर्टी का लालच तो था ही नहीं, इसको तो सिर्फ पापा की मौत का बदला लेना था। और फिर सोचा कि भाई प्रॉपर्टी गलत हाथों में भी नहीं जानी चाहिए, इसलिए फिर प्रॉपर्टी भी इसको अपने नाम पे करवानी पड़ी। क्योंकि अगर इसके भाइयों के हाथों में प्रॉपर्टी चली जाती ना, तो पता नहीं वो क्या क्या मिसयूज उसका करते, उल्टे सीधे काम करते, क्रिमिनल टाइप के बंदे वैसे थे, इसलिए उनको मारना मैंने सही समझा। और अगर उनके हाथ में फॉर्मूले वाली चीज लग जाती, मतलब कि वो मैजिकल चीज जो बॉक्स में थी, तो फिर तो और भी ज्यादा बुरा काम हो जाता। अरे मेकर भाई एक बात तो बताओ, यहाँ पे कहाँ पे लेकर के आ चुके भैया? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सारी सारी चीजें ही खड़ी हुई है। मतलब कि यहाँ पे तो मेरे को किसी तरीके का वेयर हाउस लग रहा है ये बिग बॉस का, यहाँ पे एक सिंगल ही बंदा नहीं है। तो भाई नीचे उतरने का कोई फायदा नहीं है। चलो मेकर से ही बात करता हूँ भाई, कहाँ पे लेकर के आ गया मेरे को ये? भाई मेकर से मैंने पता किया तो मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर, मेरे को भी ऐसे लगता है शायद से आज यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि भाई क्रिसमस टाइम चल रहा है, तो शायद से बंदे भाई छुट्टी पे गए होंगे। तो एक काम करते अभी जरा चलते हैं हम अपने बिग बॉस के फ्रेंड के पास, माफी वाले घर में कल तुम गए थे, ये मेरे को बोल रहा है भाई। वहां पे मैंने सभी जाकर बंदों को मारा था, माइक को मैं वहां से पकड़ के लेकर गया था, वो सब एक प्लानिंग थी। तो अभी वहां पे ना बिग बॉस का दोस्त रह रहा है वहां पे उसी घर में, वो आज ही आया है तो वहीं पे रह रहा है, उसको भाई वहीं पे पार्टी वगैरह करनी होगी। तो ये बोल रहा है चल वहीं पे चलते हैं, उसी से जाकर के बात करते हैं। फिलहाल अभी उसको ये शक नहीं होगा कि मैं बिग बॉस को मारने के लिए ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे को क्या बता असली इन्फॉर्मेशन दे दे, फिर वहीं पे जाकर के हम बिग बॉस का एंड करते हैं। तो भाई सीधा हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंचते हैं अपने घर पे। भाई हम लोग जगह पे पहुंच चुके हैं, कल जब मैं यहाँ पे आया था यहाँ पे एक भी चीज नहीं थी, मतलब कि ऐसे भाई घर इतने अच्छे सजा हुआ नहीं था। बट आज देखो कितना प्यारा लगा हुआ है, लगता है बंदा ये भी भाई जो है ना कोई क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है और हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में पूरा घर सजा दिया। भाई मेरे को भी पूरा का पूरा घर सजा रहा है अपने ड्राइवर का, और अभी बहुत सारे काम करने हैं। ये तो पता नहीं भाई अभी मेकर की हेल्प के चक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम होके रखी थी, क्योंकि भाई इसकी हेल्प करनी बहुत जरूरी थी। ये ड्राइवर का भाई मान लो यार, क्योंकि दोनों एक साथ पले हुए और बाबा ने इन दोनों को पाला है, तो दोनों भाई है मेरे हिसाब से। तो अभी चला जा भाई, जल्दी से जरा आ करके बातें कर लेते। हेलो मेरे प्यारे प्यारे चाचा। अरे भाई साहब ये बंदा तो मेरे को लगता है FI वाला है। अरे भाई FIB वाले बंदे ये कैसे फ्रेंड हो सकते हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फिर पूछता हूँ, हेलो चाचा ये है अपना ट्रेवर, जल्दी से बता दो आपका बॉस बिग बॉस कहाँ पर है? एक तो उसका नाम बिग बॉस बड़ा अजीब सा लगता है, बता दे मेरे प्यार भाई बिग बॉस कहाँ पर है? मेकर उससे जरा मिलना चाहता हैप्पी न्यू ईयर के लिए, उसको बेस्ट विशेष देनी है बंदे को। भाई चाचा से बात मैंने सारी सारी कर ली। चाचा मेरे को बोल रहे कि ट्रेवर भाई हमारे प्यारे जो बिग बॉस है वो गए ज्वेलरी शॉप पे, वहां पे उनको कुछ चीज खरीदनी है, शायद से हैप्पी न्यू ईयर के लिए कुछ चीज खरीद रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। चलो भाई चलते हैं, आ जा मेकर जल्दी से ज्वेलरी शॉप पे चलते हैं। चाचा मैं आपके गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ, मेरे को बढ़िया लग रही है, मेरा हेलीकॉप्टर आप रख लो, जाओ बदला कर दिया मैंने, देखो गाड़ी के बदले में हेलीकॉप्टर मैं आपको दे के जा रहा हूँ, इसको कहते हैं अमीर बंदा। अरे क्या यार चाचा तुमने भीड़ करके रखी इतनी सारी गाड़ी यहाँ पे फ्री में खड़ी कर दी है, इतने सारे पुलिस वाले बुला के रखे। चाचा अपनी सिक्योरिटी भाई बहुत अच्छे से करवा रहा है, मेरे को यार इसका घर काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसने सजा के रखा हुआ है, लाइटिंग बहुत अच्छी लगी बंदे की, अब अच्छा लग रहा है घर, नहीं तो इतना अंधेरा रहता था घर में। बट फिलहाल आज मेरे को बहुत बढ़िया लगा। तो भाई फटाफट से ज्वेलरी शॉप पे पहुंचते हैं और देखते हैं हमारा बिग बॉस आखिर वहाँ पे क्या खरीदने के लिए आया है, किसके लिए नेकलेस खरीद रहा है, रिंग खरीद रहा है, ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि आपको पता है भाई न्यू ईयर पास में आ रहा है और इसीलिए शायद से वो कुछ गिफ्ट लेने के लिए जरूर वहाँ पे गया होगा। बंदे की बात में दम तो है, पहुंचता हूँ जगह पे। भाई हम लोग जगह पर पहुंच चुके हैं आज काफी दिन के बाद, पूरा मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला जो एपिसोड है ना रात को ही हो जाने वाला है, क्योंकि भाई सुबह होने तक ना उसको हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर उसको जिंदा छोड़ दिया तो वो बंदा यार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेकर आगे से बोल रहा है कि उसको सुबह का सूरज नहीं देखना चाहिए, उसको आज हम अभी मारेंगे। पहले यार माइकल ने शॉप खरीद ली थी बेचारे ने, और फिर यहाँ पे भाई उल्टा सीधा काम हो गया था, इसलिए फिर माइकल ने बाद में उसको बेच दी थी। चलो वो तो बात पुरानी हो गई है, बट अभी ना यहाँ पे तो भाई कोई भी नहीं है, ना यहाँ पे कोई लड़की है, ना यहाँ पे कोई मैनेजर है, पूरी शॉप खाली पड़ी हुई है। अरे मेरे प्यारे भाई यहाँ पे कोई भी घुस करके इसको लेकर के चले जाएगा? मतलब हॉलीडे के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे शॉप बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। अरे मेकर भाई चूना लगा दिया बंदे ने, मेरे को लगता है उसने ना गलत खबर दे दी है, झूठी खबर है, यहाँ पे है ही नहीं कोई बंदा, यहाँ पे है ही नहीं अपना प्यारा प्यारा चाचा। अरे यार एक काम करता हूँ, टैरी का ही फोन करके बोलता हूँ, टैरी बहुत हो गई पार्टी बैठे, एक काम कर काम पे लग जा, मेरे को इन्फॉर्मेशन दे, अब हम अपने स्टाइल से पता लगाएंगे। मेकर अभी तो जरा आराम से गाड़ी में बैठ जा, अभी तेरे को अपनी पावर दिखाता हूँ कि मैं कैसे बंदों को ढूंढता हूँ। अभी तक तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, अभी मैं इसको दिखाता हूँ कैसे वो मेरे को मिलने वाला। 2 मिनट में भाई मैंने टैरी को फोन करके सारी सारी बातें बोल दी। टैरी मेरे को बोल रहा है ट्रेवर भाई 5 मिनट दो मेरे को, अभी मैं आपको सारी सारी बातें बताता हूँ। ठीक है भाई, टैरी मेरे को सारी बातें बता देगा। ठीक है मेकर भाई 5 मिनट में आपके भाई की कुंडली निकलने वाली है, उसकी तो कमर तोड़ देगा, हम टेंशन मत लो आप। भाई अभी मेरे पास रोन का फोन आया, बेचारा रोन भाई आपको पता है ट्रेवर के पुराने वाले घर पर रहता है, एक तो भाई उसकी शॉप खराब कर दी बंदों ने, वहाँ पे ड्रिंक की उसने शराब बना के रखी थी, ड्रिंकिंग की भाई आपको पता है उल्टे सीधे काम तो करता ही है, तो वहाँ पे वो तो खत्म हो गई थी।
बट अभी ड्राइवर के पुराने घर पे वो बंदा बोल रहा है कि ड्राइवर भाई मेरे को लगता है कुछ बंदे शायद से मेरे को मारना चाहते हैं, सारे सारे बंदे पुलिस वाले, ये बिग बॉस को पता नहीं चल गया हम उसको ढूंढ रहे हैं, उसको मारने के लिए ढूंढ रहे, ऐसा हो सकता है? अरे भाई साहब ये बंदा भी ना बहुत ही ज्यादा पिटने वाला है, पर रोन तो पार्टी में था, पार्टी में से वहां पे कैसे पहुंच गया? अरे यार ये बेवकूफ बंदा, पार्टी पूरी कर लेता, मैंने बोला था आज पार्टी में से कोई भी नहीं जाएगा, यहाँ से सारे के सारे पार्टी करके जाएंगे, शायद से उसको कुछ काम आ गया होगा, इसी वजह से रोन निकल करके चला गया। अरे यार चलो कोई बात नहीं, अभी वो पहुंच गया तो पहुंच गया, बट वहाँ पे कुछ बंदे भी है, चलो अच्छा हुआ पहुंचने के बाद उसने एक अच्छी खबर तो मेरे को दी है, वहाँ पे कुछ बंदे पहुंचे पुलिस वाले। भाई मैं घर पर पहुंच चुका हूँ ड्राइवर के, ड्राइवर भाई ये बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो भाई बंदों ने मेरे को देखते ही एकदम से मेरे ऊपर गोली चला दी। यार बताओ ऐसा कोई करता है क्या? अबे भाई मैं तो बात करने के लिए आ रहा था, मैं तो पहले मारने के लिए नहीं आ रहा था। यार ये बड़े बेकार बनते हैं, मतलब बात भी नहीं करते, सीधा एकदम से हमला कर दिया। अबे भाई न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, क्यों मरना चाहते हो ड्राइवर के हाथों? ड्राइवर तो 2 मिनट में भाई सभी को एक गोली दे देगा। कमाल करते भाई सारे के सारे बंदे, मतलब बेवकूफ है सारे के सारे बंदे। अभी मैं इनको यहाँ पे एलियन गन, अरे यार एलियन गन नहीं चलाएंगे नहीं तो रोन मर जाएगा। भाई पुलिस वाले जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे बहुत सारे आकर के रखे हैं, गाड़ी से मारने में काफी टाइम इन बंदों को लग जाएगा। ए ले बेटे मान ही रहा, चले जा रहा है, चले जा रहा है, बहुत ज्यादा मारूंगा मैं अगर भैया जरा आराम से बैठ रहा हूँ, क्योंकि भाई इसके पास अभी वेपन नहीं है तो ये आराम से बैठेगा, ये अभी ज्यादा बंदों को नहीं मारने वाला, तू जरा भाई नीचे को बैठ जा। वैसे गाड़ी मेरे को लगता है बुलेट प्रूफ है भाई चाचा की, हम गाड़ी लेकर गए हैं चाचा की, मेरे को लगता है बुलेट प्रूफ गाड़ी है, असर नहीं हो रहा इसमें गोलियों का, चलो अच्छी बात है। ये ले बेटे सीधा कर दूंगा। ओ भाई साहब ये क्या हो क्या रहा है? ओके भाई ये बंदा खत्म, चाचा जी गोली खा लो, अभी इन चाचाओं को मारने में तो मेरे को काफी टाइम लग जाने वाला, तो भाई एक काम करता हूँ सभी को खत्म करता हूँ फटाफट से। ओ भाई बहुत सारे बंदे रे, ओ भाई कैसी लगी? आया मजा आएगा, आएगा धीरे धीरे मजा आने वाला जब टक्कर लगते रहे गाड़ी से। ये ले बेटे चाचा आप भी ले लो, ली टक्कर मार दे ड्राइवर, बहुत बदतमीज है गोली से मार दे। चल ठीक है भाई तेरे को गोली से मार देंगे, और बोल कैसी लगी? ओ भाई पेट्रोल पंप साइड में, ये ले बेटे उड़ने वाले हो, फट जा फट जा फट जा फट जा, ये यार इस वाली से नहीं फटेगा, चल 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 जल्दी 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 जल्दी। भाई इसमें दमी नहीं है, इस भाई गन में दमी नहीं है, नहीं तो अगर कोई दूसरी गन होती ना इसकी जगह भाई सब मजा आ जाता। एक काम करता हूँ नीचे उतर के इन बंदों का इलाज करता हूँ मैं, कर बेटा जरा एक काम कर, मैं अभी आता हूँ, बंदों को मिनी गन से काम करना पड़ेगा। तो भाई अभी मैं जरा बाहर की तरफ आ चुका हूँ, सारे बंदे पिट जाने वाले हैं भाई, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। भाई मैंने बोला जरा एकदम से फट जाएगा, क्योंकि भाई आपको पता ही है अभी मैंने ग्लास लगा के रखे हुए है, और कोई बंदा यही फटेगा क्या? ये ले बेटे, अरे रे पुलिस वाली कवर लेना भूल गया होगा, तो चीजों का ये नहीं फटा भाई, ये भी फटेगा, ये ले बेटे फट जा फट जा फट जा। ओके आया मजा, मजा आता भाई जब पेट्रोल वगैरह की चीजें फटती है। कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है? ले ले ये ले बेटे, आया मजा। ओके बंदा खत्म, यहाँ पे कोई एक चाचा है, कौन है भाई तू? जरा आ जा आ जा आ जा, जा कोई तो है बंदा, कोई ना कोई तो जा रहा है, जैसे कि मैं मैप में देख रहा हूँ यहाँ पे कोई बंदा तो है, पीछे कवर लेकर रखा हुआ है और ले खत्म कर दिया भाई, अंदाज से गोली सही लग गई है। तो फिलहाल मेरे को लगता है शांति हो गई है। मेकर कहाँ है? आ जा जा। ओके भाई मेकर पीछे ही घूम रहा है, भाई पीछे पीछे मत घूम, गड़बड़ हो जाएगी, गोली लग जाएगी, तो गाड़ी में बैठता। तो फिलहाल भाई मैंने एरिया को क्लियर कर दिया और बंदों ने मेरे को बात करने का मौका भी नहीं दिया, नहीं तो मैं इनसे पहले आराम से बातें करता और पूछता आखिर यार क्यों आए हो भाई, क्यों पंगे ले रहे हो बताओ तो सही, बस बंदों ने बात ही नहीं करी। मेरे को तो ऐसे लगता है भाई बिग बॉस के सारे सारे बंदे थे जो मेरे घर में घुस गए रात को फ्री में पैसों के चक्कर में, और देखो रोन खड़ा हुआ है। रोन मेरे भाई ठीक है ना? अरे यार अभी कौन बच गया? बंदे बताओ छुप छुप के बैठ जाते, चलो इसको आने दो, इसको बाद में मारूंगा। फिलहाल रोन देखो कैसे कर रहा है, रोन भाई ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है पुलिस वालों को देखने में लग रहा है। अबे भाई कमाल करता है, ठीक है तो घर के अंदर जा, मैं जरा देखता हूँ कोई और बंदे बचे तो नहीं है, उनका तो मैं इलाज कर दूंगा। तो भाई फिलहाल ये बंदा था जो गोली चला रहा था, अबे चाचा कहाँ निकल रहा है? ये लब बैठे बड़े आराम से जा रहा है स्टाइल से। तो भाई फिलहाल यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, थोड़ा सा वेट कर लेते, देखते टेरी मेरे को कितनी देर में बताएगा हमारे बिग बॉस की लोकेशन। तो भाई टेरी का फोन आ चुका है, टेरी ने पता लगा लिया, मैंने बोला था ना टेरी काफी समझदार बंदा है, हमारा प्यारा बिग बॉस पार्टी कर रहा है शिप पे, न्यू ईयर की पार्टी करने में लग रहा है बेचारा। अबे भाई न्यू ईयर को आने देते, पहले से पार्टी करनी शुरू कर दी। भाई हम लोग जगह पहुंच चुके हैं, सामने वाले शिप पर ही हमारा प्यारा बिग बॉस पार्टी कर रहा है। तो भाई रात को आप लोग देख ही रहे होंगे, वैसे रात के टाइम में भाई काफी शहर अच्छा लगता है, आप लोग सामने झूले को देख रहे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग बंदे लगा के रखते हैं। अभी मेरे को भाई किराए पे बोर्ड लेनी पड़ेगी, आपको पता है देखो भाई झूला किसी हिसाब से हो रहा, कितने अच्छे कलर्स बंदों ने लगा करके रखे हुए, रात को बहुत अच्छा लगता है व्यू। वैसे काफी टाइम हो गया भाई, पूरा एपिसोड मैंने कभी शायद से रात में नहीं बनाया होगा, आज इतने दिन के बाद पूरा का पूरा एपिसोड ही भाई रात में बन गया। भाई हम लोगों ने बोट किराए पे ले लिया आधे घंटे के लिए, वैसे आधा घंटा नहीं लगने वाला, हम पहले ही बंदे का इंतजाम कर देंगे। तो भाई हम लगभग पहुंच ही गए बोट पे, ड्राइवर भाई प्लीज यार सीधा बोट पे चला जाया करना, एक काम कर दो बोट को ऐसे ही घुसा दू। ये ले मेरी प्यारी बोट, अरे भाई मजा आ गया, अरे गई नहीं गई, अरे ड्राइवर पीछे ले ले, गोली लग गई बंदा ने मारनी शुरू कर दी गोली, इनको दिख गया होगा शायद ड्राइवर आ गया, पानी में कूद मेकर गोली लग जाएगी, नहीं तो गड़बड़ हो रही हो भाई, गोली लग रही है, पानी माजा नीचे ले ले नीचे ले ले, बस आजा बेटा भी करता हूं तुम्हें सीधा। भाई बंदे बहुत ज्यादा गोली मारने में लग रहे हैं, अभी एक काम करता हूं इनको गोली दे करके, मतलब कि इनको भाई बेवकूफ बना के जल्दी से शिप पे चढ़ता हूं और करता हूं इन बंदों का इलाज, ऊपर चढ़ के मिनी गन से सभी को एक तरफ से
मारना शुरू करेंगे क्योंकि हम तो यहाँ पे सभी को मारने के लिए आए हैं, पहुंचते हैं। भाई मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, मेरे प्यारे प्यारे गार्ड्स, बिग बॉस फूफा जी कहाँ पर है? आज 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 जल्दी से आ जाओ, बिग बॉस को बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। किली मेरी भाई मेकर ऊपर आ जाए जल्दी से, लेट मत कर बिल्कुल भी, इनकी पार्टी तो मैं बनवाऊंगा। पार्टी कर रहे हैं शिप पे? अरे बिग बॉस भैया तुम्हें पूरे शहर में यही पार्टी करने को मिली थी, एक तो रात में और बंदे मेरे को ठीक से दिख भी नहीं वाले। आ जाओ, काफी बंदे हैं भाई, कुछ बंदे भाग रहे थे मैंने खत्म कर दिया। भाई चौचा पीछे गोली चला रहे, ये ले बैठे खत्म। अब भाई इसको देखो हमारे वेकर को, कवर लेके बैठ गया। सही है भाई, कवर ले लेना पड़ेगा क्योंकि इसके पास कोई भी वेपन नहीं है, और वैसे भी मैं इसको वेपन दे भी नहीं रहा, मेरे पास है बट मैं इसको दे नहीं रहा। छोड़ो भाई ये मेहनत क्यों करेगा, हम बंदे के लिए सारा काम करेंगे यार, अपना भाई है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, जब इतना करा है तो बिग बॉस का फाइनल काम भी हम ही करेंगे। भाई अभी तो मैंने बहुत सारे बंदों को सीधा कर दिया है, अभी देखना ये है कि हमारा मेन बंदा कहाँ पर है। ओके एक चाचा यहाँ पे पंगे लेने की कोशिश कर रहे थे, मैंने इनको भी खत्म कर दिया। चाचा जी आप पे निकल जाइए। है और कोई हमारा प्यारा लाडला भाई जिस किसी को गोली खानी है, गोली खाने के शौक रखते हो तो भाई आ जाओ, ट्रेवर मुफ्त गोलियां यहाँ पे बांट रहा है। ओके एक चाचा सामने से आ गए, गोली खाने का इनको शौक था, मैंने इनको गोली दे दी है। तो यार अभी लगता है शायद से ऊपर वाले पार्टीशन पे मेरे को जाना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा बिग बॉस नहीं है, वो शायद से ऊपर की तरफ होगा। एक तो मेरे को ऐसे बंदे बड़े बढ़िया लगते हैं, मतलब भाई इनको देखो तो सही, अरे कमाल है, सोचते क्या है कि यार ये बिना वेपन के मेरे को मार देंगे। भाई मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, अभी सारे बंदे लगभग बस मरने ही वाले हैं, बहुत सारे बंदे मैंने लगभग मार दिए हैं, सिर्फ ऊपर के कुछ बंदे शायद से बचोगे। ओके भाई ऊपर का पूरा पार्टीशन खाली हो चुका है, शायद से बंदे जो भाग रहे होंगे ना वो ऊपर से निकल के आए होंगे, अभी बस मेन बंदा ही ढूंढना है। इससे ऊपर भाई एक छोटा सा और पार्टीशन है जहाँ पे यहाँ पे कंट्रोल रूम बंदों ने बना के रखा है, जिससे पूरी की पूरी शिप कंट्रोल होती है, तो शायद से बंदा उसी में छुप करके बैठा होगा, क्योंकि यार यहाँ के तो लगभग मैंने सही बंदे मार दिए, तो फिर सब मेन जगह पे चलते हैं। चलो ऊपर की तरफ मैं आ चुका हूँ, अभी देखते हैं यहाँ पे मेरे को कितने बंदे मिलने वाले, और सामने भाई कंट्रोल रूम है, वहीं पे देखते हैं बंदा है नहीं है। भाई मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ और हमारा प्यारा बिग बॉस, अरे कैसे बैठ के हाथ ऊपर कर लिए इसने, जैसे देख लो ट्रेवर इसकी मौत आ चुकी है, अभी कोई फायदा नहीं है बचने से। मेकर फटाफट से आ जा, बंदा मिल चुका है। वैसे यार बंदे को मैं ही मारूंगा, मेकर मारेगा चलो तो देख लेंगे, भाई उसने बोला मैं वो मारेगा तो मैं तो बोल दूंगा कि भाई तू मार ले, नहीं तो हम तो मार ही देंगे, हम तो मार ही रहे बंदों को, कहां पे रह गया। चलो देखते हैं भाई जितनी देर में वो आएगा, अभी फटाफट से मैं इसको बैठा के रखता हूँ। फाइनली आज बिग बॉस का चैप्टर भी क्लोज कर देंगे, इससे पता भी तो करना है भाई आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेकर ने इसको अब तक जिंदा रखा है। भाई मेकर आ चुका है, मैंने इससे बातें कर ली, मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर मेरा तो भाई है भाई, मैं नहीं मार सकता, तुम ही खत्म करो, क्योंकि पापा को इसने मारा इसलिए इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब इसने अपने पापा तक को नहीं छोड़ा तो ये मेरे को कैसे छोड़ सकता है। तो ऐसे बंदे को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, इसने मेरे प्यारे पापा को मुझसे छीन लिया, इसलिए तुम ही इसको मार दो, मेरा भाई है मैं इसको नहीं मारना चाहता, बट तुम मार दो क्योंकि तुमने सारों को मार दिया तो इसको ही मार दो। और मेरे प्यारे भाई अब जल्दी से बता, चीज तो पूछ लेते हैं ना, जल्दी बोल भाई कौन सी चीज है जो तू जानता है और जिसके चक्कर में तो अभी तक जिंदा रह गया, नहीं तो तेरे को बहुत पहले मैं खत्म कर देता। भाई भाई बिग बॉस जी ने सारी चीजें बता दी है, इसने मेरे को एक जगह के बारे में बताया जो बहुत ही सीक्रेट है, हमारे शहर से काफी दूर वो पड़ती है, वहां पे मेरे को एक चीज मिलने वाली है। बोल रहा है कि तुम जगह पे जाना तुम्हें ऑटोमेटिक वो चीज मिल जाएगी, अभी पता नहीं भाई वो क्या चीज है। बोल रहा है कि भाई ट्रेवर अगर तुम उसको लेकर के आ गए ना तुम कमाल कर सकते हो, बहुत ही कमाल की चीज है। अरे भाई आखिर ये ऐसी चीजें इनको पता कैसे चलती है, जैसे पहले भाई भाइयों ने बॉक्स मेरे को दिए थे, चीजें तो काफी कमाल की उनमें से मिली है, अभी पता नहीं किस चीज के बारे में और ये बोल रहा है। चलो ठीक है मेरे भाई मैं चला जाऊंगा, इसलिए मेरे को भाई उस जगह के बारे में बता दिया, तो वहीं पे जाकर के मेरे को कोई ऐसी चीज मिलने वाली, फिलहाल उसका नाम वाम तो ये नहीं बता रहा मेरे को, पता नहीं शायद इसको भी नहीं पता होगा, बाद में वहीं पे जाकर के चेक कर लूंगा आखिर वो चीज क्या होने वाली है। तो ठीक है मेकर भाई, इसने आराम से मेरे को सारी बातें बता दी है जो चीज के चक्कर में अभी तक तूने इसको जिंदा छोड़ा था। मेरे प्यारे बिग बॉस सर सॉरी भाई निकल ले बेटे, क्योंकि दुश्मन अभी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बंदे बाद में आकर के प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले। तो फाइनली अभी सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, चाबी वो तो सुधर चुका है, देखेंगे अगर कुछ पंगा करेगा तो बाद में देख लेंगे। जनरल खत्म हो चुका है, उसका बॉस अपना दोस्त ही है, अभी कोई भी नहीं है। अरे भाई मजे ले ले, अब तो मजे आने वाले हैं, अभी कोई दुश्मन नहीं है। चल फटाफट से चलते हैं पार्टी में, सब लोग वेट कर रहे होंगे, आप पार्टी में निकलते हैं दोबारा से जल्दी आ जा। भाई हम लोग दोनों घर पर पहुंच चुके हैं और डॉगी घर पे है ही नहीं, भाई मुझे लगता है नाराज हो गए, कहीं पे चला तो नहीं गया ना। अरे यार ये भी ना, अभी इसको मनाने में मेरे को लगता है काफी टाइम लग जाने वाला है। मेरे प्यारे प्यारे भैया कहाँ पर चला गया, आ जाना। अरे यार ये कभी घर के अंदर तो नहीं चला गया, चेक कर लेता हूँ कभी। भाई उसने सोचा ड्राइवर जा चुका है, चलो पार्टी करते हैं अंदर जाकर के, हो सकता है। देखो पता कुछ नहीं है उसका, क्योंकि भरोसा मैं उसका बिल्कुल नहीं करूंगा, खाने पीने के मामले में वो बिल्कुल नहीं देखता, बहुत ज्यादा खाता है, क्या बता अंदर हो, अभी चलता हूँ देखता हूँ। भाई मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, और मैंने आपको बोला था ना देखो कैसे बैठा हुआ, और कपड़े मेरे सिर्फ सारे फेंक दिए, बट देखो अंदर आ गया और टीम के साथ मजे लेने में लग रहा है यहाँ पे। मेरे प्यारे भाई मतलब जब मैं तेरे को बुला रहा था तब क्यों नहीं आया तू, अब पार्टी करने के लिए आ रहा है? भाई देखो तो सही, मतलब नाराजगी की इतनी हद होती है, जैसे ही मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ देखो चल पड़ा, मतलब ट्रेवर से क्या इतना गुस्सा है। भाई जब मैं घर पे नहीं था तो सभी के साथ यहाँ पे मजे ले रहा था, पार्टी कर रहा था, और मैं जैसे ही घर पे आया मेरे को देखा कि ट्रेवर वापस से आ गया। अच्छा बेटे चल ठीक है, हम भी तो देखेंगे, तो आखिर कब तक मेरे को ऐसी नाराजगी दिखाएगा,
खुद ही देखो घर से बाहर निकल के जा रहा है। चल देखते हैं भाई आखिर ये कब तक ऐसा मेरे साथ करने वाला है। भाई बिल्कुल कमाल है और देखो मतलब नाराज भी होता है बड़े स्टाइल से, मैं कर देख रहा है भाई। ये लो देखो बाहर जाकर घर पे सो गया भाई, कमाल कर रहा है। मतलब ये तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा, मतलब हद बजा के रखी है। मैं घर के अंदर आया तो घर से बाहर निकल करके आके सो गया, ड्राइवर से पूरी नाराजगी, हद हो गई भाई साहब आज तो। भाई अभी मेरे पास फोन आया हमारे प्यारे टेस्टर जी का, बोल रहे हैं कि ड्राइवर कितने साल में जाएगा भाई जगह पे, वहां पे सारा सोना पड़ा है, पत्थर इतने सारे सोने के सारे गायब हो जाए, कोई बंदा लेके चले जाएगा। मैंने बोला ठीक है मैं जाऊंगा टेस्टर जी, टेंशन मत लो, कल आपके काम पे निकल जाऊंगा, मैंने उनको बोल दिया है। तो ठीक है भाई अभी वो काम भी कर रही है आपको बताया, तो ठीक है सोना लेकर जाएंगे। एक बहुत खतरनाक जगह चलेंगे वहां पे सोना लेने के लिए, वो बाद में मैं इसको बता दूंगा भाई। फाइनली भाई हमारे वो चैप्टर खत्म हो चुके हैं, आज इस सीरीज का एंड हो गया है। अभी एक और भाई इंटरेस्टिंग सीरीज आने वाली है, इससे भी ज्यादा खतरनाक वो होने वाली है। तो बताना भाई आप लोगों को हमारी पूरी की पूरी वॉर सीरीज कैसे लगी, आपको सस्पेंस कैसे लगे, सारी बातें बताना। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो से नहीं, आप लोग तो ये वीडियो कैसे लगी, इसके नखरे आपको कैसे लगे, बहुत ज्यादा देख लो भाई नाराज होकर रखा हुआ है। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो का लाइक्स का एम है 15,000, जल्दी से उसको पूरा करा दो। अगर तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड फॉलो नहीं किया उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय।